इकोलॉजी इन्वायरमेंट में। अच्छा, कंजर्वेशन तक का होमवर्क लिखवाया था। चलिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स की बात कर लें, बाकी फिर हम लोग इसमें आ जाएंगे, जल्दी करते हैं। तो बहुत सारे बिंदु हैं, उनमें से एक बिंदु फिर जीएसटी का। वर्तमान में जीएसटी के जो नए नए डेटा निकल करके आए हैं, तो जीएसटी फिर से चर्चा में है। एक तो जून 2022 में कंपनसेशन जो है, जो मुआवजा दिया जाना था राज्यों को, वो खत्म हो गया। स्टेट्स को जो हिस्सा देना था कंपनसेशन वाला, वो जून 2022 में कंप्लीट हो गया। तो अब नए सिरे से जीएसटी जो है, रिजल्ट ये निकल करके आया है कि जो राज्य मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, कुछ राज्य जो है वो कंज्यूमर होते हैं, जहाँ पर खपत ज़्यादा होती है, उपयोग ज़्यादा होता है, यूज़ करते हैं, वो खरीदते हैं। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, निर्माण करते हैं, उद्योग इंडस्ट्री ज़्यादा है, खास करके साउथ के, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। और यही कहा जा रहा था कि इन राज्यों को जीएसटी में नुकसान होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा जो है वो नॉर्थ में, और ये कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, और जहाँ कंज्यूम होगा वहीं पर जीएसटी लगेगा एक तरह से। तो जीएसटी का कलेक्शन उन राज्यों में ज़्यादा होगा नॉर्थ के, और साउथ को नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको नुकसान होता है तो हम आपको मुआवजा दे देंगे। अगर बिफोर जीएसटी आपका जो कलेक्शन था टैक्स का, अगर उससे नीचे जाते हो और कुछ होता है, एक मुआवजा तो देंगे ही, लेकिन हम कंपनसेट कर देंगे उसको। तो रिजल्ट उल्टा निकल कर क्या है, जिन राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग है, उन्होंने ऐसे राज्यों में जाकर के यूनिट्स लगाए, जहां खास करके जहां जनसंख्या ज्यादा थी, ताकि लेबर सस्ता मिले, जैसा इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वर्ल्ड लेवल पे जैसा होता है, ठीक वैसा ही उन्होंने वहां करने की कोशिश की। और उसमें रिजल्ट ये आया कि उनको इनकम ज्यादा हुई, इससे उनको फायदा हुआ, और इनकम ज्यादा हुई तो कंज्यूम भी उन्होंने ही ज्यादा किया। जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करवाया उनके पास इनकम ज्यादा थी, पैसे ज्यादा आए, तो कंज्यूम भी उन्होंने ही ज्यादा किया। तो वो जो एक बना था पहले, ऐसा जो एक लेके चल रहे थे कि वो राज्य नुकसान में जाएंगे और दूसरे राज्य फायदे में हो जाएंगे, उसका उल्टा ही हो गया। तो जितने भी प्रिजम्पशन पहले वाले थे बिफोर जीएसटी, जीएसटी के लेकर के शंकाएं थी, वो उल्टी निकल गई। तो अब उस पर एक तरह से रीथिंक करने का मौका है सरकार के पास में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उसमें करने जैसा कुछ नहीं है। एक सिन गुड्स वाला है 28% वाला कंसेप्ट। तो जीएसटी को 4-5 एंगल से देखिए। जीएसटी का एक पर्सपेक्टिव तो आपका गवर्नमेंट का एंगल देखिए कि गवर्नमेंट क्या सोचती थी बिफोर जीएसटी, दूसरी सरकारें क्या सोचती थी, जीएसटी का इवोल्यूशन कैसे किया सरकारों ने, और पार्लियामेंट में जब जीएसटी बना उस समय में क्या क्या वादे किए गए थे, और उसके बाद जीएसटी में किस प्रकार के अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, ये सब गवर्नमेंट के लेवल पे है। दूसरा राज्यों के लेवल पे, स्टेट्स के लेवल पे, ये मैंने जो गवर्नमेंट बताई वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, फिर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से कौन कौन सी आशंकाएं थी राज्यों को, जिससे वो बहस करते थे कि हम जीएसटी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अंततः वो जीएसटी में शामिल हो गए और कई राज्य फायदे में भी रहे। तो वो क्या चीजें थी, एक दो एंगल तो आपको ये समझ में आ गए। तीसरा विवाद ये है कि वन नेशन वन टैक्स शब्द यूज किया गया था कि एक देश और एक ही टैक्स रहेगा, लेकिन कई तरह की स्लैब्स हैं, तो 12% भी, 18% भी, 28% भी है, जीरो भी है, और भी कुछ है छोटे मोटे। तो ये सब इतना ज्यादा है तो फिर वन नेशन वन टैक्स तो नहीं हुआ, तो इसके बारे में क्रिटिसिज्म आपको लिखना है, लेकिन सुझाव के तौर पे, सरकार को आड़े हाथ नहीं लेना है, उसको सुझाव देना है कि एक होना चाहिए, जब एक बोला है तो फिर एक होना चाहिए। तीसरा, पेट्रोल और अल्कोहल
शराब और पेट्रोल जैसी चीजें जो है वो जीएसटी से बाहर रखी गई, लेकिन केंद्र सरकार ने चालाकी से अपने लिए तो पूरा टैक्स बल्कि सेस के रूप में भी इस्तेमाल किया और टैक्स के रूप में भी, और उसको इस तरह से बनाए रखा कि पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसका हिस्सा तो निकल आता है लेकिन राज्यों का नहीं निकल पाता। तो वो क्या मसला है? तो पेट्रोल और शराब वाला मसला, उस पर जीएसटी। तो अगर ये आप ये सारे बिंदु देखोगे तो कुल मिलाकर के ये निकला है कि इससे इनइक्वलिटी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है। जो रिच स्टेट्स थे उन्हीं का पैसा बढ़ा है जीएसटी की वजह से, अंततः रिजल्ट ये निकला। और जो गरीब राज्य थे वो और गरीब हो गए हैं। तो जीएसटी इनइक्वलिटी बढ़ाने वाला साबित हो रहा है अभी तक के हिसाब से। अब आगे जाके और क्या रूप लेगा वो एक अलग चीज है। और एक चीज और है, इसके कंप्लायंस की प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट्स इन कंप्लायंस, उसकी चुनौतियां अलग है, उसकी समस्याएं अलग है। जीएसटी पोर्टल, जीएसटी का बदलता हुआ स्वरूप, पॉलीमॉर्फिक जीएसटी कह सकते हो कि उसका रूप बहुत बदला है, उसकी वजह से कंफ्यूजन। तो कई लोगों ने, और रिफंड की प्रॉब्लम, रिफंड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो जीएसटी पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। कई लोग जीएसटी काउंसिल पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज है। वो स्ट्रक्चरल तो आप पढ़ लीजिए कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, वित्त मंत्री उसका एक तरह से अध्यक्ष होता है, सभी राज्यों के राज्य वित्त मंत्री होते हैं, ये सब, ये कोई पढ़ने लायक चीज नहीं है। जो हम बता रहे हैं वो पढ़ने लायक चीज है। दिमाग इससे चलता है, दिमाग अगर चलाना है तो वो इसमें चलाओ, उसमें नहीं है, वो उसमें क्या है, ठीक है। लोग उसको पढ़ते हैं कि जीएसटी के कार्य क्या हैं, जीएसटी का संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट को पढ़ने की वही आदत होती है, जबकि रियल पार्ट ये है। इंटरव्यू में भी यही पूछा जाएगा, मेंस में भी यही पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में भी घुमा फिरा के यही पूछा जाएगा, क्योंकि ये न्यूज बनती है, ये दिमाग को हिलाती है, और इसी से समाज को फर्क पड़ता है, इकोनॉमी को भी फर्क पड़ता है। स्ट्रक्चर से क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री हो जाए अध्यक्ष, वित्त मंत्री के बजाय प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो जाए, उससे होना जाना क्या है? कुछ नहीं होना है। तो ये है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी कंप्लीट हो, वो तो कर ही लीजिए, जो सारी कोचिंग पढ़ाती हैं और यूट्यूब पे भी तमाम जगह जीएसटी दिया हुआ है और बुक्स में, नोट्स में, जहां पे भी दिया है, वो तो कर ही लीजिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो समझाने लायक भी नहीं है कुछ। जो एकदम स्ट्रक्चर होता है वो कोई समझाने लायक नहीं होता, उसमें क्या समझाना होता है? किसी में 25 सदस्य होते हैं तो 25 सदस्य होते हैं, जहां लिखा होता है कि इसका हेडक्वार्टर फलानी जगह पे, तो वहीं होगा, हम क्या कर लेंगे उसमें? इस सन में स्थापना हुई तो उस सन में ही स्थापना होगी, इस तारीख को संसद ने पास किया था तो उस तारीख को किया था, याद कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? चुनौतियां, प्रॉब्लम्स, सुझाव ठीक कैसे होगा, ये जरूरी है ना। तो एक होमवर्क इसका अच्छा सा करिए, जीएसटी एक या दो दिन लगाइए। जीएसटी अब सच्चाई है, देखिए अधिकांश चीजें सच्चाई बन चुकी है, गवर्नमेंट को चाहे हम क्रिटिसाइज कर चुके, पुराने नोट बंद हो चुके हैं, वो लौट के नहीं आ सकते, पुराने जो 1500 के बंद हो गए मतलब हो गए, 2000 का आ गया लेकिन वो भी कहीं है। अधिकांश लोग तो ये बोल रहे हैं कि सरकार ने गायब नहीं किया, रिजर्व बैंक ने नहीं किया, लोगों ने जमा करके रख लिया काला धन वाला, तो काला धन इस्तेमाल करने वालों के लिए तो और आसान हो गया, 50% ही अब सूटकेस लगेंगे। पहले जैसे बहुत बड़ी मनी ले जाना है तो 40 सूटकेस ले जाने पड़ते थे, अब बड़े बड़े बैग केवल उसको 20 ही ले जाने पड़ेंगे, 20 बैग में काम हो जाएगा, क्योंकि वो 2000 के, इसलिए तो मार्केट में से बहुत सारे गायब है। तो करप्शन तो बढ़ गया, काला धन तो, अभी एक बीजेपी के सांसद ने पूछा कि 2000 का नोट तो काला धन बढ़ा रहा है, तो फिर भांग का ही थी क्या, मतलब क्या था? जब आपको 1000 का नोट बढ़ा था, आप बोल रहे 1000 का नोट जो है उससे काला धन बढ़ता है और हम बंद कर रहे हैं, तो फिर 2000 का नोट से तो कम कैसे हो जाएगा? अगर लॉजिक बड़ा नोट है तो वो लॉजिक तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि आप तो उससे और दुगना ले आए ना, तो वो बात करना ही बेकार थी उस समय में, क्योंकि आप 2000 का नोट ला रहे थे, तो ये बात आपको पता थी कि हम 2000 का नोट ला रहे हैं, तो फिर फोटो भी आने लगे थे मीडिया,
ऐसे समय में ये बोलना कि बड़े नोट से कालाधन बढ़ता है, मतलब आप समझते क्या, मतलब आप क्या, मतलब जनता क्या बिल्कुल ही लो आईक्यू है, मतलब पागल ही है क्या लोग, समझ में ही नहीं आता क्या? कुछ लोगों को तो समझ में आएगा, कुछ को तो आएगा, ये तो दिक्कत है। और ये दिक्कत अब रहेगी क्योंकि उनको पता चल गया है कि कुछ भी बोलो वोट आते हैं, तो भी हमेशा दिक्कत रहेगी। इसलिए मैंने फेसबुक पे एक वो जो लिखा है कमेंट, उसमें मैंने लिखा भी है 2047 तक शायद स्थिति सुधरे, जब डिजिटल डिवाइड कम हो जाए और लिटरेसी बढ़ जाए और लोगों की अवेयरनेस बढ़े, तो शायद 2047 तक, मुझे अभी 20-25 साल कोई उम्मीद नहीं लगती। अभी यही जनरेशन चलेगी, इसी टाइप का रहेगा और यही माहौल रहेगा। तो साफ साफ भी बोल दे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को तो गर्व ही इसी बात पे होता है कि ये अच्छा झूठ बोल लेते हैं, ये अच्छा बेवकूफ बना लेते हैं, मतलब इससे हमको इन पे बहुत गर्व है। मतलब आप क्रिटिसाइज करोगे वो क्रिटिसिज्म भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको तो इस बात पे ही गर्व है कि ये ऐसा कर लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। सुझाव देने का भी कोई जगह बची नहीं, केवल यूपीएससी के मेंस में लिखने के लिए है बस, अब आपके लिए। इंडिया में वाकई में कर गुजरने के लिए बहुत कम है, वाकई में कर गुजरने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो फिक्स है, माइंडसेट भी फिक्स है और वो खून में चला गया, बहुत थोड़े दिन साल बाद अगर वो टिक गया तो डीएनए में चला जाएगा, ठीक है ना, और वो उसमें गया कि फिर गेम खत्म। तो वो फिर उसका खामियाजा ये है कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो नाखुश हैं, लेकिन वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी का ही मंत्रिमंडल है, तो बोल नहीं सकता क्योंकि केंद्र में बीजेपी और वही लेके आई है। तो जीएसटी में ये भी देखिए, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या हुआ, क्योंकि फिस्कल फेडरलिज्म का तो स्थिति ये हो गई। तो वो राज्य तो बोल देते हैं, जैसे ममता बनर्जी खुल के बोल देती है या कि हमारा वो लेके आओ ना, देने वाले थे ना तुम, देते क्यों नहीं, पैसा देने वाले थे, मुआवजा देंगे, ये करेंगे, कंपनसेशन देंगे, हमारा हिस्सा क्यों नहीं देते जीएसटी का, तुमने कहा था इतना लुटाएंगे तो देते क्यों नहीं। तो 2,70,000 करोड़ रुपया अभी उधार लिया 2021-22 सरकार ने, केंद्र सरकार ने मार्केट से 2,70,000 करोड़ रुपया उधार लेकर के राज्यों को दिया, बकाया दिया, और वो 2,70,000 करोड़ कंपनसेशन सेस लगा दिया पब्लिक पे, वो अब टैक्स के माध्यम से, सेस के माध्यम से आपसे लिया जाएगा पब्लिक से, जो राज्यों को उन्होंने दिया, जो पहले देना था, पर कोविड में सब पैसा उड़ गया, बचत भी उड़ गई सरकार की, खर्चे थे बहुत सारे तो दे नहीं पाए, पूरे कोविड में किसी भी राज्य को कुछ नहीं मिला जब, और अब 2022 में तो ऑफिशियली बंद भी कर दिया, जून 2022 तक ही देना था, 5 साल की बात थी कि 5 साल तक देंगे, बाकी नुकसान तो अभी भी है। तो जो चीजें हैं वो तो है, ठीक है, वो कुछ हो नहीं रहा, बट बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री है तो वो बोल नहीं पाता, और अगर किसी ने हिम्मत कर दी बोलने की तो पूरा पूरा बर्खास्त, या मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा, नया बना देंगे, तो वो जो डेमोक्रेसी है वो लगभग लगभग खत्म है। राज्य के मुख्यमंत्री की भी हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि उसको फॉलो करना है, जो कहा जा रहा है उसको मान लो, और किसी ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई कुछ करने की तो अगली बार उसका सांसद का टिकट खत्म, अगली बार का मंत्रालय छिन जाएगा, अगली बार मंत्री नहीं बनाएगा, हो सकता उसको अभी इस्तीफा देने के लिए कहें, तो आसान नहीं है। ऐसी व्यवस्था में जनता के हिसाब से आवाज उठा पाना भी आसान नहीं है, ये अलग ही टाइप का चीज है, ऑटोक्रेसी भी नहीं है, डेमोक्रेसी भी नहीं, वो प्लूटोक्रेसी दिखती नहीं है लेकिन है तो सही, तो ये विचित्र अवस्था है। लेकिन खैर जो भी, हम सब इसी नाव में हैं, हम सब साथ में ही हैं, बैठे हैं, जहाँ पे भी जाएंगे सामूहिक रूप से जाएंगे, पूरा देश ही जाएगा, तो इसलिए हम सब साथ ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी स्थिति होगी, हश्र तो सबका एक जैसा ही होना है, देश से अलग तो हो ही नहीं सकते ना, कोई आदमी का अलग से थोड़ी होगा, कोई बहुत ज़्यादा जानकार है और फ्लाइट में बैठा हुआ है और पायलट जो है वो गड़बड़ कर रहा है और उसको समझ में आ रहा है कुछ गड़बड़ है,
और वो बहुत तेज है और उसको एरोडायनेमिक्स भी पूरा पता और एरोनॉटिक्स की डिग्रियां भी है उसके पास, बट और वो सुझाव भी दे सकता है, लेकिन अगर न माने तो प्लेन अगर गिरा तो वो अकेला तो बचेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला बच जाएगा और बाकी मर जाएंगे, वो भी सबके साथ मरेगा, सब मरेंगे तो सब मरेगा, और बच गए और अच्छे से लैंड कर गए तो सभी जश्न मनाएंगे कि बच गए। तो ये तो सामूहिक होना है, जो भी होना है हमारा सामूहिक हश्र होना है, कॉमन डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पता तो हो तो ठीक है, पता हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि होना तो वही है, वही है वही जो राम रचि राखा, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक चीज ये, दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट चेंज का दूसरा एंगल है, सब्सिडी वाला एंगल। क्लाइमेट चेंज के मामले में, एनर्जी के मामले में, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में और इन सब चीजों में, खास करके सब्सिडी का रोल, अमेरिका ने अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े पैकेज दिए हैं, सब्सिडी दी है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी सब्सिडी देता है, लेकिन वो WTO के नॉर्म्स के हिसाब से देता है, और अमेरिका ने जो सब्सिडी दी है अभी अपने यहाँ के उद्योगपतियों को वो लिमिट तोड़ करके दी है और बहुत ज़्यादा दी। चिप्स एक्ट हमको भी असर डालेगा, क्योंकि हमने भी 40-50 हज़ार करोड़ जो भी है उसमें लगाए हैं, और हम भी जो है सेमीकंडक्टर चिप की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसने इतनी सब्सिडी दे दी कि अब इंडिया जो है उसके बारे में सोचेगा कि हम ये काम करें कि नहीं, क्योंकि अगर कूद भी गए और थोड़ा सफल भी हो गए तो मार्केट पे वो हावी होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे मामलों में यूरोप और अमेरिका के बीच एक तरह का सब्सिडी वॉर कह सकते हैं इसको, कि आप ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी देने से बहुत फर्क पड़ जाता है ना, आसान लोन दे दिया, सब्सिडी दे दिया, उससे तो फिर दूसरे कॉम्पिटिटर तो खत्म ही हो जाएंगे। तो कॉम्पिटिशन कमीशन, इंडिया में भी कॉम्पिटिशन कमीशन, प्रतिस्पर्धा आयोग लगभग लगभग खत्म ही है। तो भारत में भी सब्सिडी की स्थिति, उद्योगपतियों को आसान लोन, ऐसे ही अमेरिका जो है ये अमेरिकन पैटर्न है, पूंजीवाद, मैंने आपको पहले भी बताया था, पूंजीवाद कैपिटलिज्म। तो इसके ऊपर एक नोट्स बनाई है, सब्सिडी का रोल, WTO एंड सब्सिडी, राजकोषीय सहायता, राजकोष में से सहायता दे देंगे, जनता के पैसे में से सहायता दे देना किसी को, विशेष व्यक्ति को, विशेष कंपनी को, विशेष उद्योग को, जनता के पैसे में से, जनता के पैसे से जन कल्याण के काम हो वो तो ठीक है, आम आदमी को फायदा मिले वो भी ठीक है, रोड का फायदा तो सबको मिलता है, अमीर आदमी भी कार लेके चलता है, बाइक वाला भी चलता है, साइकिल वाला भी चलता है, सबको फायदा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगाया जाता है उसका फायदा सबको मिलता है, लेकिन किसी एक उद्योग को फायदा देना तो उस उद्योग का प्रॉफिट है, फिर उसमें फिर वितरण होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा टैक्स लगना चाहिए ताकि वो पैसा वापस आ जाए उसके पास, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो फायदा उसका निजी होता है, फायदा निजी होता है, केवल घाटे का डेमोक्रेटाइजेशन हो जाता है। किसका होता है? घाटे का। अगर वो डूब गया तो सबको भुगतना पड़ेगा, तो डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो किसका होता है? लॉस का डेमोक्रेटाइजेशन। प्रॉफिट का क्या होगा? प्रॉफिट इंडिविजुअल हो जाएगा उसका, प्रॉफिट तो उसका इंडिविजुअल है, लेकिन लॉस हो गया तो सारी जनता को भुगतना पड़ेगा। कमाल की चीज है, यानी कि जिस बैंक ने लोन दिया है वो लोन माफ हो जाएगा। लोन माफ का मतलब आपका जो टैक्स का पैसा सरकार के पास इकट्ठा हुआ है उससे वो लोन भर दिया जाएगा, बैंक को तो पैसा मिल जाएगा, तो वो पैसा तो जन कल्याण में लगना था ना, इसलिए इकट्ठा किया गया था, किसी का लॉस भरने के लिए थोड़ी है। तो ये तो जुआ है, अगर वो प्रॉफिट में निकल गया उद्योगपति तो प्रॉफिट सारा उसका, और लॉस में गया तो और आपका और हमारा पैसा उसमें उस लॉस को कंप्लीट करने में जाएगा। आ गया समझ में? इसको बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लॉस।
प्रजातांत्रिकरण हो जाता है उसका, जो घाटा होता है उसका प्रजातंत्रीकरण हो जाता है और लाभ लाभ का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। ये तो प्राइवेट है ना, तो प्राइवेटाइजेशन के साथ ये नुकसान है, पूंजीवाद के साथ ये नुकसान है। प्राइवेटाइजेशन उसका होता है, लॉस का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए ना। फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी सब एक काम करो कि उसने जितना भी कमाया है, वो जितना भी ऐश कर रहा है, जितना भी पैसा उसके पास है, सबसे पहले अगर वो घाटे में गया तो उसको बिल्कुल इतना कर दो कि वो सामान्य उसके कंपनी में जो कोई आदमी ऑफिसर काम कर रहा था उसके बराबर उसके पास पैसा रह जाए, तो उसका 95% पैसा जो है वो लॉस कंप्लीट करने में चला जाएगा, तो जनता का पैसा इतना खर्च नहीं होगा। फिर अगर कमी पड़ रही है तो थोड़ा वो जनता का भी लगा दो, लेकिन सबसे पहले उसको तो सड़क पे लाओ, उसको नहीं लाते, वो तो प्राइवेट होते हैं। प्रॉफिट जितने उसने कमाया है और सैलरी खुद ने जो ड्रॉ कर ली वो सारी प्राइवेट। अब कंपनी अगर डूब गई है तो पब्लिक उसको ठीक करेगी। आगे समझ में, तो ये प्राइवेटाइजेशन से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कैपिटलाइजेशन से भी, कैपिटलिज्म से भी किसी को दिक्कत नहीं है। बट ये कर लो कि अगर तुम लॉस में गए तो तुमको फिर सड़क पे ला देंगे, मतलब जैसा तुम्हारे कर्मचारी हैं दूसरे या ऑफिसर्स हैं, भूखे नहीं मरोगे लेकिन उनके बराबर हो जाएगी तुम्हारी भी, वैसा ही घर रहेगा, वैसी कार रहेगी, उसके पास वही कारें 200-400 कारें, उसके पास उतने ही हेलीकॉप्टर, उतना ही बड़ा मकान, विदेशों में उतनी जमीनें, वो सब बरकरार रहती हैं। इसका मतलब देश की जनता ने मेहनत मजदूरी करके जो जितना भी काम करके जो टैक्स दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सब तरह के जो टैक्स दिए वो उसके ऐशो आराम में चले गए। आ गया ना समझ, अभी तक तो यही हो रहा है, इसलिए पूंजीवाद का विरोध हो रहा है। तो कई लोग इस कंसेप्ट को सोचते हैं तुम पूंजीवाद के विरोधी हो, तुम उद्योगों को आगे नहीं बढ़ने देते, तुम अमीरों को देखना नहीं चाहते फूटिया को, नहीं सब देखना चाहते हैं अमीरों को, उद्योग भी खूब चले, रोजगार भी खूब मिले, कमाई भी खूब हो, लेकिन अगर घाटा हुआ तो सबसे पहले उसके सामान बिकेंगे, उसकी जो 60 कारें हैं, 200 कारें हैं, वो 3 रह जाएंगी या 2 रह जाएंगी, सबसे पहले ये काम होगा। वो जो इतने आलीशान मकान में रहता है 500 कमरे के, वो 3 3 BHK में आ जाएगा, बोलो मंजूर है, देना शुरू करो उसको, तो फिर कंपनी डूबेगी भी नहीं, वो ख्याल रखेगा, वो कंपनी को डूबने नहीं देगा, वो क्या अपने आप को सिक्योर कर लेता है ना। ये अनएकेडमी और बायजूस वाले अब इसी को करने के चक्कर में, वो लोग वहां रजिस्टर कराने के चक्कर में, एक बार कैसे भी करके, जैसे जोमेटो रजिस्टर हुआ कोलैप्स हो गया, वैसे वो चाह रहे हैं कि हमारा भी IPO आ जाए, और हमारा IPO शेयर मार्केट से आ जाए तो ये सब रोज रोज का ये जो भी बेवकूफ बनाते ना गांव गांव में फोन करके तुम्हारे बच्चे को पढ़ा देंगे, अब 7वीं 8वीं के बच्चे से 60,000 रुपए ले लेते हैं तो क्या पढ़ाएंगे उसको, और 7वीं 8वीं का बच्चा 60,000 में क्या तो पढ़ता है, और उसके पास 60,000 रुपया नहीं है तो वो बैंक से लोन दिलवा देते हैं, उसकी जमीन गिरवी रखवा देते हैं और उसके बाप को लोन दिलवा देते हैं 60,000 का, और फिर वो ले लेते हैं, ऐसा बैंक वालों के साथ उन्होंने नेक्सस बनाया हुआ, और बोले ये लोन तुमको मतलब 7-8 साल बाद चुकाना है या बाद में चुका देना, अगर वो आदमी नहीं चुका पाएगा तो उसकी जमीन जाएगी, क्योंकि बैंक में तो उससे लोन दिलाया, तुमने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लिया, ऐसा करके वो अभी दुकान चला रहे हैं। लेकिन वो इस चक्कर में है कि एक बार IPO आ जाए, एक बार हम लिस्टेड हो जाए शेयर मार्केट में, लिस्टेड कंपनी जो हो गए, तो फिर वो जो डेनमार्क में एक पेंशनर है जिसके पास करोड़ों रुपया है, वो बैंक में डाल नहीं सकता क्योंकि बैंक वाले निगेटिव ब्याज लेते हैं, उल्टा उससे ब्याज लेते हैं कि तुमने हमारी बैंक में पैसा रखा है, वो पैसा यहां इन्वेस्ट होने के लिए आ जाएगा, अमेरिका का पैसा आ जाएगा, पूरी दुनिया का पैसा यहां इन्वेस्ट होने का आ जाएगा, तो वो सर्च करेगा हम अपनी लिस्ट में अच्छा खासा रैंकिंग रखेंगे ऊपर, या रैंकिंग वालों जो है होते हैं रेटिंग एजेंसी वाले, उनको भी रेटिंग देने के लिए और उसके लिए कुछ सेटिंग कर लेंगे, जैसा होता ही है, स्कैम ही है एक तरह का, तो लोग हमारे अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और एक बार उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो करोड़ों लोगों का पैसा इसमें फंस गया, लाखों लोगों का पैसा फंस गया। अब ये कंपनी हो गई लॉस में गई तो सबका घाटा जाएगा, तो हम बड़ी सैलरी ड्रॉ करेंगे, तो जो CEO हैं उसके चीफ वो करोड़ों में सैलरी ड्रॉ करेंगे, 50 करोड़ हर महीना, 200 करोड़ हर महीना सैलरी ड्रॉ करते जाएंगे, कंपनी को खाली करते जाएंगे और लोग कंपनी चलाएंगे, प्रॉफिट फिर भी हुआ तो बांट देंगे पैसा, डिविडेंड बांट देंगे, और किसी दिन डूब गई
अपने पास 4-5 हजार करोड़, 10 हजार करोड़, 1 लाख करोड़ तो आ ही चुका है, जितना आना है उतना आ जाएगा। और कंपनी डूब जाए तो डूब जाने दो, क्योंकि तो शेयर मार्केट में जो शेयर होल्डर्स थे उनका पैसा डूबा है। क्लियर हो गया ना शेयर मार्केट कैसे काम करता है। हर कोई आदमी अपना लिस्टेड इसीलिए तो करवाना चाहता है शेयर मार्केट में, लिस्टेड कराने के चक्कर में वो रहते हैं, यही है। तो अभी जो है ये जो कहां से शुरू किया था हमने, हाँ तो वो बिजनेस वाले में थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी का फायदा अगर दे रहे हैं अमेरिका में तो अमेरिका तो उसको बुरा नहीं मानता है ना, वो जलते भी नहीं है, अमीर आदमी से जलते भी नहीं है वहां, तो ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि आप अपने यहाँ के व्यक्ति का घाटा तो आप उससे पूरा कर दोगे तो वो तो काम दाम जो है कम बना के रखेगा ना, दाम कम बना के रखेगा वो। ऑयल की अब अमरीका को जरूरत ही नहीं है, उसने फ्रैकिंग टेक्निक से अपने यहाँ शेल ऑयल निकाल लिया, उससे वो आवश्यकता पूर्ति कर लेता है। तो कई जगह पर उसने जो है अपने अंदर बड़े चेंज लाए हैं। तो अमरीका की स्थिति नए वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्थिति, 5-10 साल में ऐसा कुछ होता है कि अमरीका अपनी स्थिति बिल्कुल बदल लेता है। तो थोड़ा सा एक एक करिएगा। क्लाइमेट चेंज में तो हमेशा नई नई चीज़ें आई रही है। एक और चीज़ बीच पिछले दिनों अभी आप देख रहे हो, किरण रिजिजू जो है लॉ मिनिस्टर, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ जो वो हैं उपराष्ट्रपति, वो भी बराबर हमला कर रहे हैं। तो थोड़ा एक ये आया है कॉलेजियम सिस्टम और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, 99th अमेंडमेंट जो आया था वो स्ट्राइक डाउन कर दिया था उसने। पुराने जो जज थे जस्टिस खेर, केएस खेर जो थे, उन्होंने उसको खत्म कर दिया था। बट एनजेएससी जब आया था तब यही था कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और कॉलेजियम में जो है नेपोटिज्म होता है, भाई भतीजावाद होता है और तमाम चीज़ें होती है, एक ही परिवार के लोग जज बनने लग जाते हैं और कॉलेजियम ट्रांसपेरेंट नहीं है। कैसे आप चुनते हो बताते भी नहीं हो पब्लिक को कि ये जज क्यों बन रहा है। ये तो सही बात है, जजेज अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, ये चुनौती तो है। लेकिन दूसरी चुनौती ये है कि ये सिस्टम तो अभी थोड़े दिन पहले भी था, तो पिछले जो अभी 4-5 जज आए वो सब तो बीजेपी प्रो बीजेपी थे और बीजेपी को भयंकर सपोर्ट कर रहे थे, तब तक तो आपने ये मुद्दा उठाया नहीं, क्योंकि ये मुद्दा कोई अभी का मुद्दा तो है नहीं। लेकिन इतने दिन तो आप चुप रहे और अचानक से जैसे ही जस्टिस चंद्रचूड़ बने तो ये थोड़े से ओपन माइंडेड हैं और थोड़ा सा बीजेपी को इनके इनसे प्रॉफिट कम होता हुआ लगता है, तो एकदम से ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा चलने लगी कि कॉलेजियम सिस्टम खराब है, कॉलेजियम सिस्टम खराब है। तो आप अभी जो बोल रहे हैं वो सिस्टम को सुधारना चाहते हैं या सिस्टम को डैमेज करना चाहते हैं? क्योंकि अगर जनता का विश्वास अगर सुप्रीम कोर्ट से उठता है तो उसका अपना एक अलग नुकसान है। तो बहुत ज़्यादा हो गया अभी इन दिनों में, आप देखेंगे तो हर जगह पर ये आवाज़ उठाई जाती है। तो ये आवाज़ जो है आपने थोड़े दिन पहले क्यों नहीं उठाई, जस्टिस बोबड़े के टाइम पे क्यों नहीं किया, रंजन गोगोई के समय में क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सब वो राज्यसभा सदस्य बन गए, सब उनके हिसाब से काम कर रहे थे, बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे थे, इसलिए नहीं किया। तो लोग अब आरोप लगाने लगे हैं कि आप दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुधार नहीं चाहते, उसको डैमेज करना चाहते हैं, उसकी इमेज को डैमेज करना चाहते हैं। सुधार की भावना होती तो बात, आप उस समय में जब आपका स्ट्रक डाउन हुआ एनजेएसी वाला, उस समय से ही लगे रहते और उसको करते, एकदम से चंद्रचूड़ के तुरंत बनने के बाद कैसे आप ये कर रहे हैं? तो ये थोड़ी सी विवाद का विषय, उनका कार्यकाल भी लंबा है थोड़ा सा और थोड़ा सा स्टाइल भी काम करने का दूसरा है, तो थोड़ा उनको परेशानी है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा देखिएगा कि क्या है, इस केंद्र सरकार का क्या रोल होता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एनजेएससी को फिर से, क्योंकि अब चूंकि बहुत ही ज़्यादा विवादों में है तो अब इसका हश्र क्या होगा, ठीक है, तो इसको फिर से देखिएगा। फिर एक जो 10 साल के लिए चर्चा का विषय बन गया है अब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्योंकि उसका रिजर्वेशन जो है वो चर्चा का विषय रहेगा कई कारणों। उसने देखिए अभी तक जो संविधान चला आ रहा था और पार्लियामेंट जो कानून बनाती थी
उनके पीछे कुछ परिभाषाएं काम करती थी और वो परिभाषाएं कंटिन्यू रहती थी। ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के आते ही बहुत सारी परिभाषाओं को बदलना पड़ा है, बहुत सारी चीजों को आपको चेंज करना पड़ा है। और चेंज पूरी तरह से नहीं हो पाया है, थोड़ा थोड़ा हुआ है और किसी किसी मामले में हुआ है, तो फिर प्रश्न बहुत सारे उठ खड़े होते हैं कि क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला मुद्दा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया है और बहुमत से दिया है, तो क्या ये सुधार माना जाए? ये एक तरह का संसद के द्वारा अमेंडमेंट जैसा ही है, क्योंकि डिसीजन तो आ गया और डिसीजन आते ही वो शामिल हो जाता है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन, इकोनॉमी बेस्ड रिजर्वेशन, क्या दोनों इक्वल है? दरअसल कोर्ट ने ये कोशिश की है, जस्टिफिकेशन देने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने उसको उसके साथ ही जोड़ दिया कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनको आगे बढ़ा रहे थे, वैसे ही इकोनॉमिक वीकर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आर्थिक रूप से जो कमजोरी होती है वो इनहेरिट नहीं होती, कई बार किसी के दादाजी करोड़पति थे लेकिन अभी वो परिवार नहीं है, और अभी जो नहीं है वो हो सकता है कि उसके एक पीढ़ी बाद सब करोड़पति हों, क्योंकि यह स्थिति तो बिल्कुल बदल जाती है, चेंज हो जाती है। अमीर कभी भी गरीब हो जाता है किसी पीढ़ी में, और किसी पीढ़ी में वापस अमीरी आ जाती है, और ये होता रहता है, और ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है उसके लिए, इंटरनल फैक्टर भी वो खुद भी व्यक्ति जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो अपनी पूंजी को बरकरार नहीं रख पाया। कई लोग तो खराब आदतों की वजह से नहीं रख पाते, कई लोग योग्यता की कमी से नहीं रख पाते, कई लोग कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पाते, इस वजह से वो नहीं रख पाते। लेकिन जाति जो है वो बदलती नहीं, चाहे वो अमीर हो जाए, करोड़पति भी हो जाए तो भी उसकी जाति वही रहेगी, और जाति की वजह से जो नुकसान होते हैं वो सारे नुकसान उसको होते हैं, उसका उससे आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये बड़ा अलग ही टाइप का वो चीज है कि क्या आप ये चीज स्वीकार कर चुके हैं कि आर्थिक स्थिति से जाति भी बदल जाती है? तो वो संभव नहीं है। देखिए, यूं तो किसी को भी जाति से फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे यहां शहर में रहते हैं, आप अपनी कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में भी आप अगर घर में रहते हैं तो आप अपने घर में रहते हैं, दूसरा जाति वाला दूसरे घर में रहता है, वो उसके अपने घर में रहता है, आपको क्या लेना देना उसकी जाति का। जाति तब सामने आती है जब रिलेशंस आते हैं, यानी विवाह हो रहा हो या खाना खा रहे हो हम लोग, तो शहरों में तो वो कम है लेकिन गांवों में एक साथ खाना नहीं खाया जाता, निम्न जाति वाला उच्च जाति वाले के साथ नहीं खाता, उच्च जाति वाला निम्न जाति वाले के साथ नहीं खाता। दूसरी आती है अपॉर्चुनिटीज, जितनी भी रिसर्च हुई है पिछले 70 सालों में, दलित लोगों के साथ में आदिवासी लोगों को रोजगार के सबसे कम अवसर प्राप्त हैं। बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं जिनमें वो एंट्री नहीं कर सकते, वहां वो रोजगार कर ही नहीं सकते, ये रिसर्च है, अलग अलग रिसर्च है। बल्कि एक रिसर्च तो वो थी, शायद मैंने आपको बताई भी, यहां डिस्कस नहीं की, शायद मैंने दूसरी क्लास में बताई थी, राजस्थान की रिसर्च है कि डिलीवरी की वजह से जो महिलाएं दम तोड़ती हैं वो शेड्यूल कास्ट में अगर 100 में से 30 के आसपास या 20 के आसपास होती है तो जनरल में वो 2% होती है, 100 में से 2 या 3 होती है। उसका कारण होता है कि कई बार जो गांव का डॉक्टर होता है वो दलित महिला को रिकमेंड ही नहीं करता कि आप शहर चले जाओ, क्योंकि डॉक्टर दलित बहुत कम है और एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं होती उसको, सरकारी एम्बुलेंस जो फ्री में अवेलेबल होती है वो उसको दी नहीं जाती, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सरकार का खर्चा होगा फालतू का 5-10 हजार रुपए का, अगर इसको शहर भेजा गया तो खराब से खराब कंडीशन में जिसमें उसकी मौत होने की पूरी संभावना है उसको रेफर नहीं किया जाता, ये सरकारी आंकड़े, बट ये है कि सरकार बताती नहीं है। तो ये जो कंडीशन होती है ये तो वो कम्युनिटी झेलती है,
और वो कास्ट के आधार पर झेलती है। तो ये प्रॉब्लम है अभी हमारे स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में। इसलिए ये कहना, अच्छा जब गरीबी की बात आई तो गरीबी कितनी है, तो जो सवर्ण लोग हैं उनमें से 100 में से 4 या 5 गरीब हैं, और जो दलित हैं उनमें 100 में से 4 या 5 अमीर हैं, तो पूरा उल्टा है। उसमें 95% गरीबी है, इधर 95% अमीरी है। परसेंटेज थोड़ा कम कर सकते हो, आप कहोगे नहीं नहीं दलित तो अब बहुत नौकरी पे लग गए, तो 10% कर लो, लेकिन एकदम 50-50 तो नहीं कह दोगे ना। 90% दलित गरीब है, और जो जनरल बोलते हैं, जो सवर्ण बोलते हैं, उनमें 10% लोग ही गरीब है। 90% के धंधे अच्छे हैं, जमीन अच्छी है, नौकरियां अच्छी है, बिजनेस अच्छा है। तो यदि आप गरीबों को रिजर्वेशन दे रहे हो, क्योंकि रिजर्वेशन कास्ट के आधार पर है, और आप उनमें से भी चुन करके गरीबों को दे रहे हो, तो जो सबसे गरीब है उनको तो आपने छोड़ दिया, बल्कि सबसे अमीर वर्ग में जो गरीब रह गए हैं उनको आपने पकड़ा है, तो ये बिल्कुल अजीबो गरीब टाइप का चीज है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए बनाया गया था, या उसकी डेफिनेशन इसके लिए थी? तो ये आप कर क्या रहे हो? ठीक है कि आपने ये कर दिया, चुनाव के लिए किया, वोट के लिए किया, जिसके भी लिए किया, या आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में, ये भी कर लिया, तो पर क्या अब ये माना जाए कि जो गरीब है उन्हें अमीर माना जाएगा और जो अमीर है उन्हें गरीब माना जाएगा? क्या अब ये हो गया है? तो कुछ बेसिक चेंज हो गए जिनसे डेफिनेशन ही गड़बड़ा गई, और बहुत खतरनाक है, क्योंकि आगे के बहुत सारे फैसले होंगे वो इनके साथ जोड़ करके देखे जाएंगे, तब कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ जाएंगे। मतलब जिस आदमी के पास दोनों पैर है तो क्या उसको ट्राइसिकल देंगे, और जिसके पास पैर नहीं उसको कहेंगे नहीं तुमको जरूरत नहीं है? तो क्या आने वाले समय में इस टाइप की चीजें भी होंगी? क्योंकि डेफिनेशन गड़बड़ा गई। सो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा था एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, न कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का आप लोगों में से सब जानते हैं कि आय के सर्टिफिकेट 99% फर्जी बनते हैं, और जाति के 99% सही बनते हैं, 1% गड़बड़ बनते हैं। जाति के सर्टिफिकेट 99% सही बनते हैं, और आय के सर्टिफिकेट 99% खराब बनते हैं। सो करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कोई अपनी आय को गरीब लिखवा ले, कोई आदमी अमीर भी अगर गरीब लिखवा ले तो ज्यादा लोग ऐतराज नहीं करते, लेकिन एक ब्राह्मण दलित लिखवा दे तो दलित भी ऐतराज करेंगे और ब्राह्मण भी करेंगे। बात समझ में आई? दोनों करते। और कोई किसी दलित ने ब्राह्मण लिखवा दिया तो भी पंगा हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। इसलिए जाति का सर्टिफिकेट जो है वो गलत बनना बहुत मुश्किल काम। फिर भी 1% बोला है मैंने, 1% बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर 20 करोड़ लोग अगर है भारत में है दलित, तो 1% मतलब 20 लाख सर्टिफिकेट गलत हो सकते हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो 1% बहुत ज्यादा होता है, इतने भी नहीं बनेंगे, कुछ हजार में बनेंगे गलत सर्टिफिकेट, 0.1% चांस है। लेकिन आय का सर्टिफिकेट तो कोई विरोध भी नहीं करता, किसी को पता भी है कि बहुत महंगी बाइक लेकर आया तो भी वो सोचता क्या जाता है, बना दो, सिग्नेचर कर देता है, तो वहां चांसेस ज्यादा है। तो क्रिमिलेयर का कंसेप्ट, ये वो आय के आधार पर, तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई है, थोड़ा सा उसको विचार कीजिए। बाकी मुद्दा तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल ही है दलितों के खिलाफ इतना सारा, तो वो पॉइंट्स तो आप वहां से लिख लेना, है ना, देख लेना कितने मार्क्स आते हैं उसके बाद पर बाकी मैंने मेन मुद्दा बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है क्या क्या किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में इस बार जो जजेस थे ना, वो केवल ये फैसला देते वहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा बकार दिया। क्योंकि आदमी जब गलती करता है, जब आप गलती करते हो ना, गलती करके जब घर पे आते हो तो आप ज्यादा सिद्ध करना चाहते हो। जैसे आप झूठ बोलते हो कि आप वहां गए थे, और आप घर पे दूसरा बताते हो, तो आप बार बार देखते हो कि इनको
वो लग रहा है कि नहीं कि मैं वहीं गया था, कहीं दूसरा तो नहीं लग रहा है इनको, इनको सही में मैं गया था वो वाला तो नहीं लग रहा है, तो वो बार बार आता है, तो क्या आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं जबकि वो तो समझ ही नहीं रहा, हो सकता है कि वो उसको भूल गया हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या किया है कि ये फैसला देके चुप नहीं हुए, उन्होंने फिर टिप्पणियां करना शुरू की कि ये जो EWS का आरक्षण बना है अब ये आरक्षण को समाप्त करेगा, सभी तरह के आरक्षणों को समाप्त कर देगा आगे जाकर के, इस टिप्पणी की कोई जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी इस फैसले में। फिर वो एक जज बोले कि ये जो आरक्षण है ये केवल 10 साल के लिए दिया गया था, तो यहां फिर आया कि उसने लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ी क्योंकि ये आरक्षण नहीं था, वो पॉलिटिकल वाला था, पॉलिटिकल आरक्षण था, यानी कि विधानसभा और लोकसभा में जो आरक्षण दिया गया था वो 10 साल के लिए दिया गया, नौकरी वाले में तो कभी 10 साल की बात ही नहीं आई थी, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा के लाया वो। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर व्हाट्सएप पे पढ़ के अगर बोलेगा तो कैसे काम चलेगा, कानून की किताब पढ़ो ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, सुभाष कश्यप को पढ़ लो, लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप कर रहे हो, पढ़ के ही नहीं आए, तो बहुत ही वाहियात किस्म का था, मतलब बहुत ही घटिया कमेंट थे उससे लगे, वो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को चुनौती देने वाला, तो इसका मतलब था भरपूर पूर्वाग्रह थे, अच्छा खासा जेलसी थी और बहुत सारी चीजें थी, तो वो सब बाहर आ रही थी, फूट फूट के बाहर आ रहे थे, तो खतरनाक है, डैमेज करने वाला है, अच्छा नहीं। मतलब कुल मिला के अभी तक का जितना भी शिष्टाचार था सुप्रीम कोर्ट का वो टूटा है उसमें, ठीक है, ये सब चीजें नहीं रही है। अब खैर, अब एक बार टूट तो गया ही है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो अब तो इससे भी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने और अब वो उसकी सुनवाई करे तो वो उस फैसले को बदल सकती है, लेकिन अभी इस सरकार में तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि वो उनसे वो निवेदन करेंगे, ना ही इस प्रकार की कोई याचिका वो एंटरटेन करने जैसा दिख रहा है, तो खैर जब तक ये है तब तक तो ऐसा चलता रहेगा, लेकिन एक ना एक दिन इसका मूल्यांकन होगा। लेकिन अभी से परिभाषाएं बदल गई, परिभाषाएं बदल जाती है, कई परिवारों में एकाध घटना ऐसी हो जाती है कि उसके बाद बहुत सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं, ऐसा नहीं कि जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। मैं एक दो ऐसी शादियों में गया हूं जहां दो अलग अलग जातियों की बच्चे बच्चियों ने शादियां की और बकायदा उन्होंने रिसेप्शन भी दिया और दोनों ही तरफ के रिश्तेदार भी आए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले के जमाने में यानी आज से 20 साल पहले 25 साल पहले अगर कोई अंतर जाति विवाह करता था तो चुपचाप हो जाता था, लोग जान भी जाते थे तो बोल देते थे इसने दूसरी जाति में शादी की है, ऐसा है, उसको बस ऐसे ही टीका टिप्पणी चलती रहती थी समाज में। लेकिन अब बकायदा कार्ड छपते हैं, दोनों के अलग अलग कास्ट होती है उस पर छपा रहता है और बकायदा रिसेप्शन भी होता है और दोनों तरफ के लोग भी आते हैं, तो बहुत सारे बैरियर तो टूट रहे हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल कम ही है, बहुत कम एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल जिस भी घर में आता है वहां से फिर जब हाइब्रिड बच्चे इस टाइप के कास्ट हाइब्रिड जब तैयार होते हैं तो उनका तो कोई एग्जैक्ट कोई एक जाति नहीं है, ठीक है, केवल हिंदू हिंदू वाली जाते नहीं, धर्म भी दूसरे होते हैं कई बार कि एक दूसरा धर्म का है, हिंदू पुरुष है, हिंदू महिला है, ऐसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिंधी तो हिंदू ही होते हैं, लेकिन सिंधियों में भी इस तरह से जब शादी हो जाती है तो बच्चा जो होता है ना वो जब उनको पता चलता है नई जगह पर जब वो शादी करते हैं, तो अब इस प्रकार की शादियां बहुत होने लगी है कि ऐसे बच्चों की शादियों का समय आ गया, क्योंकि वो तो पुरानी बातें हो गई 20-25 साल, अब उनके बच्चे होने लगे, 40 साल पहले भी होती थी। तो ये जो इंटर कास्ट और ये सब जो होने लगी, अब चूंकि फादर ने भी की थी, कई जगह दादाजी ने और दादी जो है वो इस टाइप के थे, इंटर कास्ट वाले थे, उसके बाद उनके बच्चों ने भी इंटर कास्ट की, उसके बाद अब पोते पोती हैं उनके इंटर कास्ट का जमाना आ गया। ये चीजें जो होती है ये जिस तरह का ढर्रा चेंज करती है परिवार में, जिस तरह के ढर्रे बदलते हैं, नियम बदलते हैं, जाति के कठोर नियम जो थे वो ओपन सोसाइटी की तरह बिहेव करने लगते हैं, ऐसे फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बाद नियम बदल जाएंगे, एक एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रॉपर नॉलेज ना हो तो भी वो एक अच्छा लेक्चर दे सकता है, डिसीजन देते समय ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट दिए जा सकते हैं और डिसीजन इस आधार पर भी लिए जा सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक के स्ट्रक्चर के बिल्कुल एक तरह से अगेंस्ट जा रहा, वो वायोलेशन भी नहीं होगा, यानी फंड बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन भी नहीं कहलाएगा। तो ये थोड़ी सी चुनौतियां, नई प्रकार की चुनौतियां आ गई, हो जाता है कई बार हो जाता है। कई एक बच्चे का हमारे यहाँ जो था वो करीब 20 साल का लड़का था, 18-19 साल का लड़का था,
उसका एक वीडियो वायरल हुआ था आज से 15-10 साल पहले कि मोहल्ले की वो एक लड़की के साथ जो है उसने एक तरह से रेप किया और वो सब, और फिर वीडियो भी बनाया और वो वायरल भी हो गया। उस लड़की की तो शादी हुई नहीं क्योंकि वीडियो वायरल हो गया था, तो और वो पता नहीं कहाँ चली गई, रिश्तेदार के यहाँ गई, शादी भी हुई नहीं या आत्महत्या कर ली। लेकिन उस लड़के की अभी धूमधाम से शादी हुई, जबकि वो जेल जेल जाने की जेल में होना चाहिए था उसको, और कम से कम 2000 लोग उसके रिसेप्शन में भी गए होंगे। तो ये समाज का समर्थन है ना, ऐसा नहीं कि गलत काम हो जाते हैं या गलत काम को जब ढिंडोरा पीटा जाता है या गलत रिसेप्शन, मतलब स्वागत है, स्वागत समारोह है, आप उसका स्वागत कर रहे हो, इसका मतलब लेजिटिमेसी आ गई ना सोसाइटी से, एक तरह से नैतिक रूप से समर्थन मिल रहा है, सामाजिक रूप से समर्थन मिल रहा है, बात समझ में आई ना। तो ये चीजें होने लगी है, तो जब ये ऐसी चीजें होने लगती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी समर्थन मिलने लग जाएगा, राजनीति का भी मिलने, राजनीति का तो मिल ही रहा है, उन्होंने तो शुरू ही किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में उसको आगे किया। तो ऐसी चीजों का जमाना आ गया है कि पूरी तरह से भी अगर गलत चीज है, बिल्कुल बेसिक रूप से भी गलत है, तो उसका पर्याप्त समर्थन मौजूद है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस का जमाना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब अब वो उम्मीद करना कि नैतिकता के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, एक ने अंबेडकर का ही नाम ले लिया कि अंबेडकर ने तो उल्टा ये कहा था कि जो आरक्षण मिलेगा तो उससे दबे कुचले लोग जब ऊपर उठेंगे तो वो उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, नौकरी लगेगी एक ही ऑफिस में और उसमें 5 लोग दलित भी होंगे और 35 लोग दूसरे भी होंगे, तो आपस में मिलेंगे जुलेंगे, बात करेंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसी भाषा बोलेंगे, तो दोनों में भाईचारा बढ़ेगा, उनमें एक्सेप्टेंस आएगा और धीरे धीरे ये जो भेदभाव है वो शायद खत्म हो जाएगा। क्योंकि लेकिन एक व्यक्ति वहीं का वहीं बना रहेगा तो फिर एक कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत रहेगी क्योंकि वो तो वहां बैठा हुआ नीचे, तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि, उन्होंने तो उसके माथे ही मर दिया, अंबेडकर के ही माथे मर दिया कि वो जो है अंबेडकर ही नहीं चाहते थे आरक्षण को। तो ये तो कमाल है, जो आरक्षण के जनक है, जिनका पहली बार कंसेप्ट है और आरक्षण के माध्यम से वो सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे, उसी को विलेन बना दिया कि यही आरक्षण नहीं चाहते थे, उन्हीं को बना दिया। तो ये तो मतलब आप बोल क्या रहे हो, तो बहुत बुरी हालत है। तो वो तो थोड़ा सा आप उसको जितना कटाक्ष करें उतना कम है, लेकिन EWS 10 साल के लिए प्रश्न फिक्स हो गया क्योंकि ये पेच फंस गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको और अच्छे से फंसा दिया, निकालना था उसको लेकिन उसने और ठोक दिया उसको, तो वो तो अब 10 साल के लिए गया। यानी कम से कम 10 साल तक आपको प्रश्न झेलने पड़ेंगे, इंटरव्यू में भी, मेंस में भी और प्री में भी, EWS के, ठीक है। अभी एक मौका था जो इसी साल हो सकता था, लेकिन ठीक है क्योंकि एक बार गरीबों की बात आएगी और इसकी आएगी तो वोट बैंक तो सभी देखते हैं, कांग्रेस भी देखेगी, तो मुझे नहीं लगता है कांग्रेस आ जाएगी तो वो इतना बड़ा वोट बैंक खोना चाहेगी, सवर्ण लोगों का वोट बैंक वो भी नहीं खोना चाहते, है ना। इसलिए तो आप देखते हैं सब तिलक छापा करते हैं और सब जो कभी मंदिर नहीं गए वो भी मंदिर जाते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो सब कारण यही है कि वो लुभाना चाहते हैं, वोट को लुभाना चाहते हैं। तो उनका उद्देश्य भी कोई वो नहीं है कि पवित्र उद्देश्य की, नहीं बिल्कुल हम जो है कोई इस प्रकार का, उसके पीछे भी वोट की राजनीति होती है। तो ये फिर लंबा जाएगा, 10 साल 15 साल 20 साल, तब शायद समाज पूरा ही बदल जाए और आरक्षण की जरूरत ही ना हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। और या फिर बहुत सारे तबके आरक्षण मांगने लग जाए और छिन्न भिन्न हो जाए व्यवस्था, वो भी कुछ 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 कह नहीं सकते। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, संविधान क्या करेगा, राजनीति क्या करेगी, सामाजिक संगठन क्या करेंगे, ये आने वाले समय में रहेगा। लेकिन परीक्षा में हमारे लिए एक प्रश्न परमानेंट हो गया जो अब हर साल परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछा जाएगा। तो जैसा GST हमेशा के लिए तैयार हो गया, वैसे ही EWS भी तैयार हो गया। तो ये दो बड़े प्रश्न भारत के दृष्टिकोण से आप बना लीजिए, ठीक है। तो इस बार के होमवर्क में ये आइए थोड़ा सा अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे भी मैं फिर लेना चाहूँगा कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट में दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एक है आपके सिलेबस के हिसाब से क्लाइमेट चेंज, एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी। तो क्लाइमेट चेंज तो लंबा चलेगा और हम लोग कई सारे आर्टिकल के बारे में बोल करके भी आपसे कई बार होमवर्क भी दिया है हमने आर्टिकल के माध्यम से, तो क्लाइमेट चेंज तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी। ये दोनों चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोरोना को आप देख रहे हैं, लौटते हुए देख रहे हैं, या नहीं भी लौटता है तो भी जोनोटिक डिजीज़
जानवरों से इंसानों में बीमारियां आना, बायोडायवर्सिटी समझना बहुत जरूरी है। एक चीज़, बायोडायवर्सिटी लॉस होता है तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इस पूरी फूड चेन में ऐसा नहीं है कि किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे अगर गड़बड़ आ रही तो उसी को नुकसान होगा, दूसरे ट्रॉफिक लेवल भी गड़बड़ा जाता है। कीस्टोन स्पीशीज वाला कंसेप्ट आपसे बताया था, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस की। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट देख रहे हैं वो है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी से शुरू करते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए भी हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, और यहाँ पे भी बात होगी कि बायोडायवर्सिटी में इसको बचाना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा पर्यावरण के दोनों घटक पहले लिखवाए थे मैंने, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, होमवर्क दिया था ना, दोनों को जोड़ दीजिएगा, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, दो घटक हैं। बायोटिक कंपोनेंट में आपको बताया था प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी को तीन लेवल पे पढ़ा जाता है, बायोडायवर्सिटी को तीन लेवल पे पढ़ा जाता है, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी जो होती है वो एक ही स्पीशीज में होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग, लेकिन जेनेटिकली हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग दिखते हैं क्योंकि हमारे सबके जीन्स अलग हैं। ये कहलाती है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। होमो सेपियंस में जो है वो कई बार हम बोल देते हैं चीनी है, नॉर्थ ईस्ट का आदमी भी अलग ही दिख जाता है, साउथ के लोग भी अलग दिख जाते हैं कि ये साउथ इंडियन है, ये आदमी साउथ इंडियन है, हम बोल देते हैं कि ये साउथ इंडियन है, केवल भाषा वगैरह से नहीं या कपड़े पहनावे से नहीं, शक्ल भी अलग हो जाती है उसकी। पंजाबी आदमी होता है वो अलग ही दिखता है लंबा, और पठान वठान होते हैं वो अफगानिस्तान के, वो अलग दिखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी अलग दिख जाते हैं, ठीक है ना, बंगाली अलग दिख जाते हैं, ममता बनर्जी अलग ही दिखते हैं, बाकी हिंदी स्टेट्स जितने भी हैं लगभग लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनमें भी हरियाणा के लोग अलग दिखेंगे, आप पहचान लेंगे ये हरियाणा का है, थोड़ा थोड़ा पहचान में आ जाता है। दिल्ली में बहुत दिखेंगे ऐसे हरियाणा पंजाब के लोग, दिल्ली में तो खैर सभी लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे अंकल आपको बहुत सारे दिख जाएंगे अपने मोहल्ले में ही दिख जाएंगे, तो वो वैसे आपको भोपाल में भी दिखेंगे, वैसे ही आपको पटना में भी दिख जाएंगे, कई लोग नौकरी करने इधर उधर गए तो दिख जाएंगे। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, ये जो डायवर्सिटी है ये स्पीशीज में ही, होमो सेपियंस एक ही स्पीशीज है, बायोलॉजिकली वो एक ही जाति है, लेकिन उसी के अंदर इतना डिफरेंस है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, जीन्स अलग अलग हैं, तभी तो हम डीएनए फिंगरप्रिंट किसी का मैच नहीं करता एक दूसरे का, परिवार वालों से सबसे ज्यादा मैच करता है, तो वो लड़की को जिसके टुकड़े किए थे बहुत सारे तो उसका जो टुकड़े मिले हैं तो वो पिता से मैच करवा रहे हैं, तो 90% तक सेम हो जाएगा, बल्कि ज्यादा 99%। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें 99.9 और बिल्कुल और ज्यादा एक जैसा होगा। सियामिस ट्विन्स होंगे जुड़े हुए, आधा इधर होता बच्चा आधा इधर होता, ऐसे बहुत सारे देखे होंगे आपने, उनका तो लगभग लगभग सेम ही है, और भाई बहन का भी काफी सेम होगा, लेकिन पिता का और माँ का जो है अगर बच्चे से आप जोड़ना चाहोगे लड़का लड़की से तो काफी हद तक सेम होगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से उतना नहीं मिलेगा, लेकिन चिंपैंजी का और हमारा 98% सेम है, चिंपैंजी का और हमारा भी 98% सेम है, चिंपैंजी हमारा सबसे नजदीकी सदस्य है, लेकिन 100% के नजदीक होगा तो बात बनेगी, स्पीशीज तो अलग है उसकी। तो एक ही स्पीशीज में जो डायवर्सिटी है वो कहलाती है जेनेटिक डायवर्सिटी। कभी भी लिखना हो तो आप इस तरह से लिखिए, जो स्पीशीज डायवर्सिटी उसमें तो क्रोमोसोम नंबर भी चेंज हो जाता है, ये प्लांट्स में भी काम करेगा, बायोडायवर्सिटी वाला वर्ड जो है ये दोनों में, एनिमल में भी है प्लांट्स में भी,
ये दोनों में बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा चीजें अभी होनी है, क्योंकि आने वाले 10 सालों में क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी, इन दोनों को ही बचाना है बस। बाकी चीजें तो देखिए, पैसा और रिसोर्सेज तो एज इट इज है, ये कृत्रिम है। पैसे की कोई कमी नहीं है दुनिया में, कुछ लोगों के पास ज्यादा है और कुछ लोग जूझ रहे हैं कमी से। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है पूरी दुनिया में, आवागमन के भी पर्याप्त साधन है, कोई भूखा नहीं मर सकता। किसी ने बहुत जमा करके रखा हुआ है, आवश्यकता से अधिक जमा करके रखा हुआ, उसको जो जरूरत है उससे बहुत ज्यादा, और किसी के पास नहीं है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रकृति का कोई भेदभाव नहीं है, हमारी जो मदर अर्थ है, ये जो धरती माता है, इसने कोई भेदभाव नहीं किया। कुबेर और लक्ष्मी ने कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने जबरदस्त धन धान्य दे रखा है, जबरदस्त सोना है, जबरदस्त पैसा है, अनावश्यक पैसा है लोगों के पास, बहुत ज्यादा पैसा है। इसलिए ये तो कृत्रिम चीजें, रियल प्रॉब्लम जो है वो ये दो है। बायोडाइवर्सिटी को अगर डैमेज किया तो फिर दिक्कतें आएगी, और क्लाइमेट को खराब कर दिया तो फिर दिक्कतें आएगी। बात समझ में आई ना? काम करने वाली ये दो ही जगह। अडानी की भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, कमाने दो उसको जितना कमाना है। खबीबगंज कमलापति हो गया और प्राइवेट हो गया, टेंशन करने की जरूरत नहीं, किसी भी दिन रातों रात नोटिफिकेशन से नेशनलाइजेशन हो जाएगा, हो जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था ना इंदिरा गांधी ने, तो प्राइवेट जो भी है, रोड किसी ने प्राइवेट बना दिया तो टोल ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एकदम उखाड़ के भाग थोड़ी सकता, रोड तो वहीं रहेगा। किसी दिन सरकार ने कह दिया अब तुम नहीं ले सकते, तो वो कूद लेगा अपनी जगह पे, कर क्या लेगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सब चीजें कोई वैसे ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? क्लाइमेट ही खराब कर दिया तो उसको कैसे ठीक करोगे? और बायोडाइवर्सिटी में कई सारी स्पीशीज और कई सारी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो गायब भी हो गए दुनिया से, विलुप्त तो हो गए, तो उनको कैसे लेके आओगे? इसलिए इन दो मोर्चों पे काम होना है बस। आने वाले 10 साल में 20 साल में इन्हीं पे सबसे ज्यादा चर्चा होगी, इन्हीं पे सबसे ज्यादा सम्मेलन होंगे, इन्हीं पे सबसे ज्यादा किताबें लिखी जाएंगी, रिसर्च होगी, डिबेट होंगी, सब कुछ इन्हीं पे होना है। सब जानते हैं कि बाकी सब बातें फालतू है, क्योंकि वो आप इधर से इधर कर रहे होते हो, असली में कुछ नहीं, आपने एक जेब से पैसा रख के इधर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पैसा यही है दुनिया में, किसी दूसरे के पास है तो भी क्या दिक्कत है। बस ये कि जो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे पैसे के अभाव में, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, उनके पास अभी होना चाहिए। एक बार सबकी आवश्यकताएं पूर्ति होने लग जाए तो उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी है किसी के पास तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में यही है, इसलिए पूंजीवाद का एक्सेप्टेंस है, वहां समाजवाद की जरूरत महसूस नहीं होती, वहां समाजवाद को गाली मानी जाती है। अगर कोई बराबरी की बात करता है और बोलता है गरीबों को कुछ देना चाहिए तो उसको गाली माना जाता है। भारत जैसे देश में नहीं मान सकते उसको गाली, यहां तो बराबरी की बात करनी पड़ेगी ना। अमेरिका में लोगों को काम चलाने के लिए है, एक के पास थोड़ा सा कार का मॉडल हल्का वाला है, बस कार सभी के पास, अधिकांश लोगों के पास, कमजोर आदमी के पास भी है। लेकिन एक आदमी 24 घंटे पीना चाहता है और गटर के पास ही बैठे रहना चाहता है तो उसका तो उद्धार कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए वो लोग चिंतित भी नहीं होते उसके प्रति, वो सोचते कि इसमें ये आनंद ही ले रहा है और गटर के पास बैठ कर के ही। न्यूयॉर्क में सड़क के किनारे दोनों तरफ खूब लोग सोते रहते हैं ऐसे, आप उनको उठा करके, अच्छा भीख भी मिलती तो $1 से कम तो मिलता ही नहीं है, तो भारत के 80 रुपए, उनको आप भीख देने के लिए भी कई लोग ऐसे टटोलना भी चाहें तो वो पता ही नहीं चलता सिर किधर है पैर किधर है, ऐसे ही सोया रहता है, उसको भीख की भी उतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, उसको मालूम मैं उठूंगा कहीं पे भी खा लूंगा कुछ भी है मिल जाएगा, $5 $10 कोई भी दे देता है। तो ऐसी जगहों पर समाजवाद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन भारत जैसी जगह पर तो मायने रखता है, लेकिन उसके लिए क्लाइमेट चेंज तो मायने रखता है ना। अगर 6 महीने के लिए बर्फ में ढक गया, पोलर वर्टेक्स हो गया, तो काम पे कैसे जाओगे, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, वर्क फ्रॉम होम भी कब तक कर लोगे, और जो पैसा कमाया उसको खर्च कैसे करोगे, क्लब नहीं खुलेगा तो।
स्केटिंग तो करने से रहे 2400 घंटे, तो ये है, इसलिए क्लाइमेट चेंज। और दूसरा, बायोडायवर्सिटी नहीं बचेगी तो पोलिनेशन कैसे होगा, फसलें कैसे चलेंगी, वो प्लांट्स नहीं रहे तो कार्बन को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी और सब कुछ भी पिघल गया। तो हीट वेव्स चली थी इस बार यूरोप में, यूरोप ने पहली बार भयंकर गर्मी देखी जो राजस्थान में होती है, 48 डिग्री, कभी यूरोप ने नहीं देखा, इस बार देखा था। और आप और हम बैठे हैं ना बिना मफलर के, दिसंबर एंड चल रहा है, क्रिसमस आ गया, ऐसा पहले कभी होता था? कोल्ड वेव होती थी ना, शीत लहर चलती थी, कहाँ है, गायब है। मैंने तो पहले ही कह रहा हूं, मैं एक महीने से बोल रहा हूं अपनी क्लासेस में कि गायब है। और इस बार हीट वेव्स थी, इस बार भोपाल में रिकॉर्ड बारिश थी, सबसे ज्यादा गर्मी थी इतिहास की, सबसे ज्यादा बारिश थी इतिहास की, और सबसे कम ठंड इतिहास की। तो ये क्या, ग्लोबल वार्मिंग नहीं है तो फिर क्या है, क्लाइमेट चेंज आ गया आपके घर पे, दस्तक दे दी उसने, आएगा नहीं। कई बार पहले हम जो पढ़ाते थे 2000 में, 2005 में, 2010 तक जब मैं क्लास लेता था, तब मेरे मन में रहता था 2040 में ऐसा हो जाएगा कि ठंड के दिनों में ठंड नहीं लगेगी। बच्चों से बात भी करता था कि आज से 40 साल बाद, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 2022 में होने लगे। 25 में तो श्योर आप देखेंगे, आप भी हैं, मैं भी हूं, मुझे लगता है मैं तो रहूंगा आप भी रहेंगे, ठीक है, आप तो और छोटे हैं तो और निश्चित रूप से आप लोग रहेंगे, तो 25 में हम लोग देखेंगे, इन सब चीजों को रिवाइज करेंगे। अब देखना, सुनोगे आप ये सब चीजें, बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत ही फास्ट। गाड़ी के नंबर देखते हो तो उससे नहीं दिखता कि नंबर पहले जो था सी ए से शुरू हुआ था, सी जेड तक पहुंच गया, एक्स वाई जेड, तो सी जेड का नंबर आ गया, मतलब सीरीज खत्म हो गई। अब वो ई ए से शुरू हुआ, ई बी हुआ, ई सी हुआ, अब ई डी चल रहा है, अभी फिर ई ई आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा, तो एक सीरीज खत्म होने के लिए कितना चाहिए, कितने नंबर है, 4 डिजिट है, 9999 पर जाके खत्म हो जाएगा, 9999, 10,000, यानी 10,000 गाड़ी हो गई तो सीरीज चेंज हो गई। मैंने अभी 2016 में जब गाड़ी खरीदी थी 15 में, तो वो सीपी वाला था, जेड खत्म हो गया। अभी मैं गाड़ी देख के आइडिया लगा देता हूँ कि भोपाल में कितनी गाड़ियां बढ़ गई, क्योंकि 04 लिखा है तो भोपाल में बढ़ी है, यहीं का रजिस्ट्रेशन है। फिर ये हर जिले में हो रहा है, वहां से खरीद के ट्रांसफर होकर के भोपाल आता है आदमी, तो फिर वो भी गाड़ी यहीं ले आता है। तो इतनी सारी कार बढ़ रही है, इतनी सारी व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रही है, तो बढ़ती जा रही है, तो कम होने का तो नाम ही नहीं लेगा ना। तो आपको तो टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगी, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी। दरअसल अब ये सब चीजें जो है ना, ये कोई वो जो लिथियम आयन बैटरी है, रिन्यूएबल एनर्जी, फ्यूचर के क्वेश्चंस हैं, अगली परीक्षाएं यही हैं पूरी पूरी, क्योंकि आपको मैनेजमेंट यही करना है, इसके सिवा कुछ थोड़ी है। इसलिए जिस हिस्से को हम पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर का है, अगले 10 सालों की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी है बायोडायवर्सिटी, क्योंकि बायोडायवर्सिटी में यदि किसी को खो दिया आपने, तो आप देखें मेमथ खो दिए, मेमथ गए तो गए, डायनासोर गए तो गए, ये तो एक्सटिंक्शन के मास एक्सटिंक्शन वाला था, लेकिन सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं इसको, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस से जो जातियां खत्म होंगी उसको बोलेंगे सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, महाविलुप्ति, सामान्य विलुप्ति नहीं, महाविलुप्ति। जब अधिकांश स्पीशीज गायब हो जाए, बड़ी संख्या में स्पीशीज गायब हो जाए, तो उसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। तो एक नोट से ये भी बना लीजिएगा होमवर्क में, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, छठी महाविलुप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसमें बायोडायवर्सिटी लॉस, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें, आईपीसीसी जो है वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है। आईपीसीसी की विशेषता है कि उसके खुद के कोई एक्सपर्ट नहीं है, आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट जारी करता है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, एकेडेमिया, जितने भी एकेडेमिशिया जितने भी हैं दुनिया भर के, जितने भी रिसर्च पेपर हैं, उन सब में से जो निष्कर्ष निकल करके आते हैं उसको वो स्टडी करके फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं।
उसको बोलते हैं हम आईपीसीसी की रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, और वो चिंता जाहिर करती है। और 1.5 वाला तो कई बार दुश्मन की सेना बिल्कुल घर के बिल्कुल बाहर आ जाती है ना, किले के पास आ जाती है, और दूध बता भी गया तो भी वो अफरा तफरी ना मचे इसलिए स्वीकार नहीं करते। ठीक वैसे ही 1.5 तो शायद हो गया, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से चुनौती दी जाती, इसको वो किया जाता है, तुलना की जाती। प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था 200 साल पहले, सन 1800 से, आज से 200 साल पहले जब से भाप का इंजन शुरू हुआ और धुआं छोड़ना हमने शुरू किया, वहां से लेके अभी तक में कितना परिवर्तन आया, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ये बात हुई थी पेरिस क्लाइमेट डील में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या 1.5 डिग्री, तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं अब थोड़ा सा बढ़ा लो ना इसको, 2.1 कर लो, क्योंकि 1.5 वाला तो टारगेट मीट कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, वो तो हो ही जाना, अभी हो जाना। कई लोगों को लग रहा था 2040 में होगा 1.5 डिग्री वाला, कई लोगों को लग रहा था 2030 में होगा, और अब लोग बोल रहे हैं कि ये 2025 से पहले होने वाला 1.5 डिग्री। तो जो आप 2050 में टारगेट कर रहे थे वो तो 2 का रखो, 2.1 का रखो, लेकिन 2.1 के लिए भी तो आपको काम करना पड़ेगा, जंगल लगाने पड़ेंगे, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, और जो लोग डूब रहे हैं ये बात तो पक्की है कि क्लाइमेट चेंज को आप रोक नहीं पाओगे, ग्रीन हाउस गैसेस को रोक नहीं पाओगे, और गर्मी तो होके रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग तो होके रहेगी, तो कुछ देश डूबेंगे तो उनको बचाओ भी, एडाप्टेशन अनुकूलन के लिए पैसा दो। क्लाइमेट चेंज को आप रोक नहीं सक रहे, यानी मिटिगेट नहीं कर पा रहे हो आप, मिटिगेशन नहीं कर पा रहे तो एडाप्टेशन करो। बाढ़ का पानी घर में आने से नहीं रोक पा रहे तो छत की तरफ भागना पड़ेगा, ये एडाप्टेशन है, घर में तो घुस के ही रहेगा, अब जब घर में घुस के रहेगा तो आप छत की तरफ भागो नहीं तो मर जाओगे, डूब जाओगे। तो ये छत की तरफ भागना एडाप्टेशन है, और घर में घुसने से रोकना मिटिगेशन है। तो दो तरह के प्रोग्राम है, मिटिगेशन और एडाप्टेशन, और दोनों में पैसा लगता है, मिटिगेट करने के लिए भी पैसा लगेगा, इसको बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस। तो अमीर लोग जिनकी वजह से ये गर्मी बढ़ी है उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पैसा दे, तो ये आ जाएगा आपका इसमें। तो ये तो खैर क्लाइमेट चेंज पे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से मैंने रिवाइज करा दिया, ये इसका अच्छा सा होमवर्क बनाइए, मैं पढ़ाऊंगा भी सही आगे भी। लेकिन हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर लें, क्योंकि वो भी काफी, मेरे पुराने लेक्चर देखोगे तो मैंने काफी डीप में बायोडाइवर्सिटी बताया, अभी मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। बायोडाइवर्सिटी पर पुराने लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने सारे क्लासिफिकेशन वगैरह सब आपको बता रखे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी लॉस हैबिटेट लॉस होने से भी हो सकता है, नीश लॉस्ट हो कर जाए तो भी हो जाता है, इकोसिस्टम बर्बाद हो जाए तो भी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सब बर्बाद किससे होते हैं, पोल्यूशन है, हैजार्डस वेस्ट है, और प्रीडेशन भी है, ह्यूमन सबसे बड़ा प्रीडेटर है। तो हम लोग अंधाधुंध प्रजातियों को खाने लग जाएंगे, कहते हैं कि कीड़े मकोड़े से लेके कुछ भी खा जाते हैं, चमगादड़ का सूप पी जाते हैं चीनी लोग, तो वो सब खा जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के तो बहुत बड़े कारण है, ये सब खाने की चीजें थोड़ी है, तभी तो जोनोटिक डिजीज होगी। जोनोटिक डिजीज का मतलब जानवरों से जो बीमारी आती है मनुष्यों में, जोनोटिक डिजीज, ZONOTIC, जोनोटिक। तो जानवरों से बीमारी क्यों आती है, क्योंकि जानवरों के पास बहुत सारे वायरस हैं, वो रिजर्वायर होस्ट होते हैं, उस जानवर में वो बीमारी के लक्षण नहीं आते, वो केवल कैरियर होता है। और आप जो फूड खाते हो, जो लोग कार्निवोर्स हैं यानी कि जो मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, वो लोग भी नॉन स्पीशीज को खाते हैं, जिस स्पीशीज को वो खाते रहे हैं, उनके बाप दादा खाते हैं, दोस्त खाते हैं, रिश्तेदार खाते हैं, उसी को वो लोग खाते हैं, बकरी को खाते हैं, मुर्गी को खाते हैं, तो उसमें ज़्यादा इस तरह की बीमारियां तो उनमें भी होती है। लेकिन मान लीजिए किसी का लीवर डैमेज है और उसके पास कोई बीमारी है और उसी एनिमल को आप खा गए, तो पर
वो बहुत कम चांस होते हैं, 5% 10%, 90% एनिमल तो सेफ है उनके खाने के लिए, क्योंकि सब लोग खा रहे हैं और जिंदा भी हैं। लेकिन अननोन स्पीशीज को आप जंगल से पकड़ के लाए और आप जानते नहीं हो उसको, और उसको उसका सूप पी रहे हैं, अचार खा रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं हो ये है क्या, और उसके अंदर कौन कौन से वायरस हैं, या पहली बार टेस्ट करोगे तो फिर जो है मुंह से जाग आते हैं, या फिर वो उछाल मारता फिरता आदमी, या पता नहीं कहां जाता है, तो वो वायरस फिर स्प्रेड करता है, वही वायरस था ये कोरोना, जोनोटिक डिजीज। तो नई नई बीमारियां, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाने पड़ जाते हैं, तो ऐसा खाना सूप कोई दूसरा पी लेता भाई वही जरूरी, पूरी दुनिया का लॉकडाउन करवा दिया तुमने, इकोनॉमी कहां चली गई, कई लोगों के सपने, कई सपने अपने छोड़ो, वो तो आदमी चले गए, 1 करोड़ लोग भारत में मर गए, सरकार नहीं मानती, 5 लाख ही मानती, 1 करोड़ लोग गए, बहुत ही भयंकर एक्सपेरिमेंट महाप्रयोग हुआ था इंडिया के लोगों पे, सारे अनपढ़ों से, डॉक्टर भी वो पॉल टाइप लाया बिठा रखा, अभी फिर सलाहकार वही है, कल फिर आ गया था वो, जिसने कहा था कि 20 अप्रैल को जीरो हो जाएगा, 20 अप्रैल 2020 को, 23 मार्च को तो मोदी जी ने वो लगाया था लॉकडाउन, उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो, एक ने कहा था एक घंटा बजाने से ध्वनियां उत्पन्न होती है और उससे वायरस भाग जाते हैं, एक ने कहा शंख बजाओ तो वायरस भाग जाएगा, एक से एक पगलट थे सब, यहीं इकट्ठे हुए थे, राजनेता भी पगलट, डॉक्टर भी पगलट, डॉक्टरों में भी जो अंधविश्वास थी और जिसका किताब से कोई लेना देना, वो वाला डॉक्टर पकड़ के लाया सबसे पहले, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे, मतलब दुर्बुद्धि का और कुबुद्धि का, इन सब का इतना भयंकर भोंडा प्रदर्शन है ना, कभी देखा नहीं, और फिर जो चिताएं जली धू धू करके, और जो फिर तमाशा हुआ, बहुत भयंकर, बहुत ही भयंकर, और फिर ले आया उसको, अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वो, और फिर भविष्यवाणी कर रहा था यूं होगा वो होगा, अब उसकी तो पिटाई लगानी चाहिए कहीं ले जाके, वो सलाहकार है सरकार का, बहुत ही बुरी हालत है, कम से कम अब तो बदल दे, 1 करोड़ की बलि भी कम होती क्या, बलि ले ली ना, सारे बुरी हालत, तो सब तरह के नमूने, ऐसा नहीं कि वो बीजेपी में ही रहते हैं, कांग्रेस में भी रहते हैं, वो वैक्सीन को बेकार बताने वाले लोग भी थे बहुत सारे, कई लोगों ने कहा मैं वैक्सीन तो कभी नहीं लगाऊंगा, ये मोदी की वैक्सीन है, मोदी की थोड़ी है वैक्सीन, वैक्सीन तो वायरस को तोड़ताड़ के बनाते हैं एंड एडिनो वायरस से बनाई थी ना, वायरस को मारते हैं, डैमेज कर देते हैं, पंगू बना देते हैं ताकि आपको बीमार ना कर पाए, लेकिन वो तो अपनी प्रवृत्ति छोड़ता नहीं ना, खुरापात करता है आपके अंदर आकर के, खुरापात करता है आपकी बॉडी को, तो लगता है कि ये कुछ डैमेज करेगा क्योंकि ये है बदमाश है, बॉडी पहचान लेती है, तो वो एंटीबॉडी बना देती है, तो मरे हुए को और मारती है, तो वो तो जल्दी मर जाता है, बट एंटीबॉडी 6 महीने के लिए मेमोरी में रह जाती है उसको। वो आए थे, मतलब कई लोग जैसे रात को चोर आए ऐसा करके घर के लोग सारे जग गए और लाठी लेके बाहर आ गए, तो कम से कम 5 बजे तक तो चोर नहीं आ सकते ना, 6 बजे तक तो नहीं आ सकते, क्योंकि 2 बजे ऐसा हुआ था, क्योंकि लोग जगे हुए हैं और लाठी लेके घूम रहे हैं, और ऐसे में कोई आया तो पिटाई खाएगा तो वायरस से, लेकिन कोई चोर उनको भी चकमा देकर के ये सब बाहर घूम रहे और अंदर से चुरा के भाग जाए, तो उसी को बोलते हैं कि वैक्सीन लग गई फिर भी मर गया, आ गया समझ। तो वैक्सीन जो है इस तरह से हमारी सेल को ये करती थी, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज है, वैक्सीन तो अच्छी चीज है। अब वैक्सीन की वजह से कोई मर जाए तो कल रात को ही मरने वाला था, है ना, क्योंकि हार्ट में उसके बहुत प्रॉब्लम थी और हार्ट अटैक कल ही, देखिए करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगेगी तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी नेक्स्ट डे डेथ होने वाली है अगर वो वैक्सीन न भी लगाए तो अटका ही पड़ा है कोई बिल्कुल ही एकदम, कि हार्ट में अगर हल्का सा भी धक्का लगा या हल्का सा भी बुखार आया तो उसको झेल नहीं पाएगा उस दिन वो, कई लोग बोलते हैं कि इस ठंड में बूढ़े लोगों का ध्यान रखना बहुत गुड़क जाता है, मतलब बहुत जल्दी, इसलिए इस वाली ठंड में बचाना है उनको ठंड से, अगर ये ठंड निकाल दी तो वो 1 साल और निकाल देंगे फिर अगले साल, ऐसा बोलते हैं ना हमारे तो उसका मतलब यही है कि अगर उनको सर्दी खांसी हुई बुखार आया तो वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, वो टिक नहीं पाएंगे, उसको झेल नहीं पाएंगे। अब बिल्कुल इसी टाइप का कोई आदमी को आपने वैक्सीन चढ़ा दी तो वो तो गया, उसी में बदनाम हो गई वैक्सीन की, वैक्सीन खराब है, वैक्सीन तो एक बहाना है, वो तो वैसे ही जाने ही वाला था थोड़े दिन में, किनारे पे ही था ठीक है, इसलिए ये वैक्सीन खराब नहीं है वैक्सीन का तो, पर वो दोनों पार्टी में मिलेंगे इसके नमूने, वो सब तरफ है,
अंधविश्वास, कुबुद्धि ये सब तरफ फैली हुई है, पर्याप्त है इंडिया में, भरपूर प्रचुर मात्रा में मिलती है हमारे यहाँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो खैर, तो अब ये जो चीजें हैं, बायोडाइवर्सिटी का जोनोटिक डिजीज से सीधा लेना देना है। स्पीशीज कम होगी, खाने वाली स्पीशीज ओवर ईटिंग होगी और आप खा जाओगे तो फिर लोग उनको ढूंढते फिरेंगे दूसरे वाली स्पीशीज को, तो फिर जोनोटिक और बढ़ेगी। तो आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ने वाली जोनोटिक डिजीज की, ठीक है। तो आज का होमवर्क, आपका पुराने लेक्चर वगैरह सुनो, और जो मैंने कॉर डेटा बताया, नॉन कॉर डेटा बताया, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट, तो हम एनिमल बायोडाइवर्सिटी से चलेंगे। कल मैं फास्ट आपको करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने करवा रखा है, तो आप पुराना वीडियो देख करके पढ़ के आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि मैं तेज चलूंगा थोड़ा। एकदम से अगर अभी के ही वीडियो पे रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, थोड़ा सा अटपटा, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं, अच्छा ये जितनी भी टर्म्स मैं बताऊंगा आप में या अभी बता रहा हूँ, एनवायरमेंट में या जनरल साइंस में, इन सबको है ना नोट करके और इनके डेफिनेशन दो दो तीन तीन लाइन में लिखी है, तो उससे फिर आपकी तैयारी अच्छी हो गई, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले को भी उतनी मेहनत लगती है, हिंदी को भी उतनी लगती है, क्योंकि ये टर्म्स बिल्कुल अलग है, इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। इंग्लिश से उसका कोई लेना देना नहीं है, मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कोई हिंदी मीडियम वाला सोचे कि सर आप तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले को भी उतना ही समझ में आ रहा है जितना आपको आ रहा है, ठीक है, उसको भी जाके देखना होगा, ठीक है। वो प्रीफिक्स सफिक्स जरूर थोड़े से आइडिया लग जाता है उससे, बाकी पूरा एक उसका अपना एक लैंग्वेज है बायो का, एनवायरमेंट का, इकोलॉजी का, तो उसको जाकर के थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए, शांति पाठ, ओम द्यौ शांति।